जनपद संभल के बनियाखेड़ा विकास खंड के मोलागढ़ एवीएस ए कार्यालय पर ब्लॉक स्तरीय स्कूल चलो रैली का आयोजन किया गया। स्कूल चलो अभियान के तहत आज जनपद संभल के बनियाखेड़ा विकास खंड में स्थित बीआरसी मोलागढ़ पर एक स्कूल चलो रैली का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख महेंद्री देवी ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर बात करते हुए एवीएसए मजरूल इस्लाम ने बताया कि इस रैली के आयोजन का मकसद स्कूलों में बच्चों के नामांकन की संख्या बढ़ाना है, जो कि प्रत्येक जनपद के सभी विकास खंडों में स्थित हर एवीएस कार्यालय पर आयोजित की जा रही है। आज ब्लॉक स्तरीय रैली का आयोजन किया गया, जिसको हरी झंडी दिखाकर माननीय ब्लॉक प्रमुख जी द्वारा जो रवाना किया गया। और ये रैली नामांकन में वृद्धि हेतु जो जगह जगह आयोजित की जा रही है, ब्लॉक विद्यालयों पर पहले ही रैलियां आयोजित की जा चुकी हैं, दो दो तीन तीन बार न्याय पंचायत पर भी रैली आयोजित की जा चुकी हैं। और पूरे जुलाई माह में स्कूल चलो अभियान को और शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन कराना है, और ब्लॉक बनियाखेड़ा में नामांकन पहले की अपेक्षा बढ़ भी गया है। स्कूल चलो अभियान के तहत जो रैली निकाल के जागरूक किया गया है, मतलब क्या है? आज ब्लॉक स्तरीय स्कूल चलो अभियान रैली का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख द्वारा किया गया है, और मैं संदेश देना चाहती हूँ कि प्रत्येक बच्चा जो 6 से 14 वर्ष की आयु का है, उसको शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत पढ़ने का जरूर आना है, विद्यालय में पढ़ना है, क्योंकि वो देश का भविष्य है। बच्चे पढ़ेंगे तभी देश हमारा आगे बढ़ेगा, और शुभकामना संदेश देती हूँ कि बच्चे जो भी सीखें विद्यालय में बढ़ चढ़ कर उसमें हर कार्यक्रम में हिस्सा लें। इस समय कवच प्रोग्राम भी सरकार द्वारा चलाया जा रहा है बालिका सुरक्षा के तहत, तो कवच के अभियान में भी बताया गया है कि बच्चों को जागरूक होना है, पढ़ना भी है, क्योंकि जब वो पढ़ने विद्यालय आएंगे तभी उनको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी मिलेगी। स्कूल चलो अभियान के तहत आज जागरूकता रैली निकाली गई है, इसमें आपने ब्लॉक प्रमुख होने के नाते रैली को रवाना किया है, इसमें आप क्या संदेश देंगे उन बच्चों को जो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, उनके माँ बाप नहीं पढ़ाना चाहते? उनको कोशिश करें बुलाने की, पढ़ाने की। भैया पढ़ाई के बराबर तो कोई चीज़ ही नहीं, जो पढ़ाई है वही सब कुछ है, जिस पर अनपढ़ तो बिल्कुल बेकार है, कतई किसी भी लायक नहीं। और क्या बताना चाहेंगे जनता को? मैं तो ये कह रही क्या, सब कोई भी बेटी हो या बेटा हो, हर एक किसी को शिक्षा मिलनी चाहिए, कोई भी वंचित न रह सके। जो हम कोई भी अनपढ़ है वही परेशान है, कुछ नहीं कर सकता, पढ़े लिखे सब कुछ कर सकते, चाहे उनको कुछ नहीं, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है।